बाहर आओ, बाहर आओ और इधर आके खड़े हो, आ जाओ। तुम लोगों को क्या लगता है मैं पागल हूं, मेरा दिमाग खराब है? इस वक्त इश्क का भूत सवार हुआ है सबके सर पे, इसलिए मेरी कोई बात तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही। मामा, आप जो कुछ हमें समझाना चाह रही हैं वो हमें कभी समझ नहीं आएगा। ज्यादा नन्हे बनने की जरूरत नहीं है। तुम लोग शोबिस की दुनिया की रोजाना की बुनियाद पे खबरें नहीं सुनते हो तलाकों और शादियों की? अरे पता ही नहीं चलता कल कोई किसी के साथ है तो आज किसी और के साथ। सबसे बड़ी मिसाल तो ये एहसान साहब है, इतने अरसे से अपनी बीवी को छोड़ा हुआ था, पता नहीं तलाक दी या नहीं दी, लेकिन तानिया बेगम वापस आ गई। अरे इन लोगों को अलहदगी और शादी में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। कैसी बातें कर रही हो, एहसान हमेशा से तानिया के साथ था और वो आज भी उसकी बीवी है। ये तो अच्छी बात है कि वो आ गई है, और उस वक्त के अखबार झूठे थे और आज के सोशल पेजेस झूठे हैं जनाब। आप तो रहने ही दीजिए, आपने हमेशा अपने दोस्त की हरकतों पे पर्दा डाला है और उन्होंने हमेशा आपकी हरकतें छुपाई हैं। वैसे भी आपको तो सनम पसंद आ गई है ना? खुदा, कुछ जवाब देना होगा मासूम इंसान पर इल्जाम लगाने का। आप तो चुप ही रहिए। रोहान तुम बताओ, जब मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था कि उस घर में कदम तक नहीं रखना तो फिर तुम वहां क्यों गए? ना सिर्फ तुम वहां गए, तुमने सबके सामने मुझे गलत कहा और शर्मिंदा भी किया। शाबाश, ये तो बड़ी नाकाबिले माफी हरकत है। अस्तग़फिरुल्लाह, आखिर सच बोल दिया ना, वो भी बा आवाज बुलंद। तौबा तौबा तौबा। आप अपनी अठेलियां बंद करेंगे? बोलो रोहान क्यों गए थे? बच बचाव कराने के लिए गया था मामा, मगर आप किसी की सुनी नहीं रही थी। मुझे जितनी हैरत हुई उससे कहीं ज्यादा अफसोस। आपको इतना तो ख्याल रखना चाहिए था ना मामा, अच्छे खासे इज्जतदार लोग हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इतनी बुरी हूं और तुम्हारा भला भी नहीं चाहती, फिर बेटा तुम इस घर में खड़े क्यों हो? मामा, आपने जितनी क्लियरली गलत बातें की हैं उतनी ही क्लियरली मैं सच बोलूंगा। दानिया से मेरी शादी आपने तय की, तब तक मैं दानिया को बिल्कुल नहीं जानता था, ना ही उसकी फैमिली से वाकिफ था, मगर अब मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अंकल एहसान को भी जानता हूँ और सनम जी को भी। मुझे उनकी फैमिली में कोई खामी नजर नहीं आती और ना ही दानिया में कोई बुराई, इसलिए मैं आपकी गलत सोच की वजह से मंगनी नहीं तोड़ू, बल्कि मैं शादी भी दानिया से ही करूँगा। शाबाश। और चुगताई तुम क्या चाहते हो? जिस तरह आपने सनम जी को बातें सुनाई हैं, अगर उसके बाद भी उन्होंने मामा जी से शादी कर ली तो मुझे हैरत होगी। ठीक है, जिस जिसको लगता है कि मैं गलत हूं, कल से मैं उनके घर में शक्ल नहीं देखना चाहती। शकल नजर ना आए मुझे। उम्मीद है कि सोचे समझे बगैर तुम कोई हरकत नहीं करोगे। देखो तुम्हारी मम्मी का गुस्सा एक दो दिन में ठंडा हो जाएगा। एक दो दिन तक मैं वापस जा रहा हूं डैड। इसको समझाओ यार, भाई यार या चुपता इसको समझाओ कि मैं इसकी शादी दानिया के साथ ही करूंगा, लेकिन अगर ये गया तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। हाँ तो भाई साहब आप मेरी शादी करवा दें। सोचे मैं आपका खून तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपका महबूब तरीन साला तो हूं ना। अच्छा तुम्हारे मुंह में भी जबान है, हाँ? अपनी बहन के सामने गूंगे क्यों बन जाते हो? रोहान की तरह सीना तान के बोले क्यों नहीं? ना कहना आशिक।